आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। एक्टिव न्यूज के दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत करता हूं। डीसी पठानकोट के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे विजय कुमार का धरना आज 42वें दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उसके धरने को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि विजय कुमार के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे वे बाइज्जत बरी हो गया। अब मुकदमा दर्ज करवाने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने की मांग को लेकर सपरिवार धरने पर बैठा है। पेश है संबंधी विशाल मेहरा की एक रिपोर्ट। सर जी, मेरा ना अज इत 41वां दिन है। भाएं छुट्टी वाला दिन हो, भाएं होली का दिन हो, भाएं शनिवार हो, भाएं ऐतवार हो, अं लगातार इतने जोड़ा धरना ला रहे हैं। तो 24 जनवरी 2018 तो लगातार लग रहा, वर्खा होए तो भी अं इतने होंने। तो मेरी जी है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी पाई सी, कैप्टन नू पाइया ही दो चिट्ठियाँ। कैप्टन कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब। उन्होंने मैं जड़िया बैक लैटर भेजिया, तो दोनों ने प्रधानमंत्री ऑफिस वालों भी जी चिट्ठी जी चीफ सैकटरी मार्क की गई है पंजाब नू, ते कैप्टन वालों भी जी दो चिट्ठिया जी चीफ सैकटरी पंजाब नू मार्क की गई। पर हजे तक जड़ा मेरा जड़ा बयान जड़ा आ ADC साहब ने जड़ा 8 फरवरी लिया ही, उसके बाद उन्होंने की कार्रवाई की है मैनू अजे तक कुछ नहीं पता। तो मेरी जी वो मंग है DC साहब अगे, ADC साहब अगे, कि मेरी जी जल्दी तो जल्दी जी कार्रवाई की जाए। इस धरने कारण जी मेरी भनेमी आ उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, मेरी दुकान जी अज 41 दिन तो बंद है, तो मेरे जोड़े पिता जी है वह भी मेरे नाल जोड़े इदा बैठे पे आ। साडा जोड़ा बहुत ज़्यादा माली जोड़ा नुकसान हो रहा, तो इस करके मेरी बेनती करदा प्रशासन अगे कि जल्दी तो जल्दी जी मेरी जी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, मेरा नाम संजीव सोता है जी, मैं अंबेडकर विचार मंच पंजाब का वाइस प्रधान हाँ। और इस धरने के विजय कुमार जी के नाल असी कंधे ना कंधा मिला के खड़े हैं, और प्रशासन के अगे यही मंग करने हैं कि पिछले 41 दिन तो जिहड़ा इन्हां ने परिवार समेत धरना लाया आ, तो जिहड़ा इन्हां नूं नुकसान हो रहा आ उसनों मद्देनज़र रखते हुए जो भी कार्रवाई तुसीं करनी आ वो जल्द तो जल्द की जाए।